हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेचूस और प्लेन्स के बारे में बात किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे, यानी कि अर्थ के अंदर जो है किस तरीके का एक स्ट्रक्चर या फिर एक क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। देखिए, हमने ऑलरेडी जब वॉल्केनोस के बारे में बात किया तो हमने देखा कि लावा जो है वो इरप्ट होता है और अंदर पर हमें मैग्मा देखने को मिलता है, यानी कि सेमी लिक्विड रॉक पार्टिकल जो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो पिघल जाते हैं, तो वो किसी ना किसी लिक्विड फॉर्म में जो है हमें मैग्मा के तौर पर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अर्थ के इंटीरियर में जो है हमें लिक्विड और सॉलिड दोनों तरीके के पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, पूरा जो है वो रॉकी सिस्टम ही है, रॉक्स ही है, लेकिन हद से ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेमी लिक्विड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं। सबसे ऊपरी तल पर हमें क्रस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, द वेरी लैंड लिथोस्फियर जिसे हम कहते हैं, और इमीडिएटली आफ्टर द क्रस्ट हम मैंटल देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में ही हमें रॉक्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और पूरे अंदरूनी तौर पर जो है यानी कि द वेरी मिडिल ऑफ द अर्थ हमें कोर देखने को मिलेगा। और कई रिसर्चर्स का तो ये कहना है कि कोर में जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके के इन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन होगा। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दरअसल हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अंदरूनी अर्थ के चीज़ों के बारे में किस लिए पढ़ना है और हमें किस तरीके की समझ रखनी चाहिए अर्थ के इंटीरियर के बारे में। It is not possible to know about the Earth's interior by direct observation because of the huge size and the changing nature of its interior's composition. देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस दुनिया में रहते हैं, हमने स्पेस पर explorations वगैरह तो भेजे, हमने देखा कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, सोलर सिस्टम है, सन है, रिवॉल्व रोटेशन सभी हमने देख लिया, लेकिन अर्थ के इंटीरियर हम ज़्यादातर जान नहीं पाए क्योंकि अर्थ जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ह्यूज एक मास है रॉक का। तो किस तरीके से ये फॉर्म हुआ, इंटीरियर्स के बारे में भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के हमें बस देखने से जो है हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चल सकता है, माउंटेन्स, प्लेचूस, प्लेन्स के बारे में, लेकिन इनके अंदर क्या है, अर्थ के अंदर क्या है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमें पता नहीं चलेगा। इट इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डिस्टेंस फॉर ह्यूमंस टू रीच टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ। द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर्स, अर्थ का जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर्स है लगभग, तो इम्पॉसिबल है इस तरीके का, इतना अंदर जो है आज तक कोई गया नहीं है, इम्पॉसिबल भी है। हम थोड़ा बहुत जो है डीपर जा सकते हैं, देख सकते हैं मरियाना ट्रेंच जो कि वन ऑफ द डीपेस्ट रीजन्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, वो लगभग समवेयर अराउंड 11,000 मीटर्स का जो है वो गहराई हमें देखने को मिलती है, और हिमालय जो कि दुनिया में खासकर जब हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, तो वो भी कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड 8,848 मीटर्स का ही अब वो भी रीजन कवर करता है। तो लगभग हम ना 8 या फिर 10 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते या फिर पहुँचे नहीं हैं। तो 6,370 किलोमीटर से डीप जाकर अर्थ के कोर को देखना, ये तो नामुमकिन से एक बात है। द रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर बिलो द अर्थ सर्फेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लिमिटेशंस। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है अर्थ के इंटीरियर में। हमने ऑलरेडी देखा कि मैग्मा जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है वो बाहर जब आता है वॉल्केनो से तो लावा बनकर आता है, और इसी लावा की वजह से कई सेडिमेंटरी इग्नियस लैंडफॉर्म्स या फिर रॉक्स वगैरह भी बनने को हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ के इंटीरियर में होता है। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमें किस तरीके से अर्थ के इंटीरियर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली हुई है। डायरेक्ट सोर्सेस यानी कि रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरिया, जहां कहीं पर भी माइनिंग हमने की हुई है, 3 या फिर 2 किलोमीटर के डीपर माइंस जो हमने बनाए हुए हैं वहां पर किस तरीके के रॉक्स हैं, क्योंकि वहां पर भी हद से ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पर टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से रॉक्स वहां पर फॉर्म हुए हैं, तो उनके बेसिस पर, उनके रिसर्च पर हमें थोड़ा बहुत अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला है। दूसरा जो है वो है वॉल्केनिक एरप्शन, जो मैग्मा फ्रॉम द वेरी अर्थ के वेंट से जो निकलता है, जो वॉल्केनो से निकलता है, उस लावा को लेकर भी कई बार रिसर्च किया हुआ है और वहां पर से भी हमें थोड़ा बहुत अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने को मिला हुआ है। तो ये डायरेक्ट रिसोर्सेस हैं। इनडायरेक्ट रिसोर्सेस क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम द सर्फेस टूवर्ड्स इंटीरियर्स। तो जाहिर सी बात है कि जो कोर का रीजन है वहां पर रिसर्चों का कहना है कि वहां पर टेम्परेचर हद से ज्यादा है, समवेयर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, ये बस कहीं ना कहीं एक नंबर जो उन्होंने दिया हुआ है, इससे भी ज्यादा हो सकता है।
और जो प्रेशर होता है यानी कि जब हम सरफेस से लेकर इंटीरियर पर जब हम आते हैं, अब मान लेते हैं कि ये क्रस्ट है और ये पूरा मेंटल और ये कोर, तो प्रेशर जिस तरीके से हम यहाँ से यहाँ पर आने पर जो जितना प्रेशर लगता है वो हद से ज़्यादा है, तो इस तरीके से प्रेशर के बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर भी हमें थोड़ा बहुत अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने की भी हमें मदद मिली है। मीटियोर्स, जाहिर सी बात है कि दरअसल स्पेस में हमें देखने को मिलते हैं मीटियोर्स, लेकिन मीटियोर्स जो है वो कहीं ना कहीं इसी बिग बैंग थियोरी से ही मिलते हैं। जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो सभी एक ही ओरिजिन के हैं, तो हमें मीटियोर्स के द्वारा भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हमें अच्छा खासा पता चलता है, क्योंकि पोल्स की तरफ जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जानिब जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड विद अदर रीजन्स। मैग्नेटिक सोर्सेस और सीस्मिक वेव्स यानी कि जो अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं, इनके वजह से भी, मैग्नेटिक सोर्सेस की वजह से भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, तो आइए एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉलिड क्रस्ट है, लिथोस्फीयर भी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हम जिंदगी जीते हैं, पूरा जो लैंडफॉर्म्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो इसी लिथोस्फीयर में होते हैं। और बाद इसके इमीडिएटली आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दरअसल एक प्लास्टिक फॉर्म में जो है मैग्मा या फिर लावा यहाँ पर फ्लो होता है, दरअसल लिक्विड फॉर्म में, ये भी कहीं ना कहीं सेमी लिक्विड रॉक्स ही हैं, तो इन्हें एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। इमीडिएटली आफ्टर लिथोस्फीयर वी फाइंड एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के इमीडिएटली बाद जो है हमें अपर मेंटल देखने को मिलेगा, मेंटल यानी कि द मिडिल पोर्शन। यहां पर इन्हें दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल के इमीडिएटली बाद हमें कोर देखने को मिलेगा, ये पूरा रीजन जो है वो कोर का है, यहां पर भी आउटर कोर और इनर कोर हमें देखने को मिलेगा। इन सभी के बारे में हम इन डिटेल आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे, फिलहाल के लिए आप ये पिक्चर जो है या तो ड्रॉ कीजिएगा या फिर इसे आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, इन दोनों को मिलाकर क्रस्ट भी कहा जाता है, और बाद इसके हमें मेंटल का रीजन देखने को मिलता है, अगेन इसे भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल की तरह क्लासिफाई किया जाता है, और द वेरी डीपेस्ट एंड द वेरी इनर मोस्ट रीजन इज नथिंग बट कोर। यहां पर भी कोर को भी हमने इनर कोर और आउटर कोर की तरह क्लासिफाई किया हुआ है। तो आइए क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफली देखते हैं क्रस्ट, कोर और मेंटल के बारे में। इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, नॉर्मली अबाउट 8 to 4 kilometers थिक, यानी कि अगर ये ग्लोब है तो यहाँ पर 8 से लेकर 40 किलोमीटर तक का जो रेडियस का रीजन है वो कहीं ना कहीं क्रस्ट ही माना जाएगा, जो कि सॉलिड रीजन है, जहाँ पर हम जीते हैं, जो कोई भी माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह हमें देखने को मिलता है वो क्रस्ट पर ही होता है। इमीडिएटली आफ्टर द क्रस्ट वी फाइंड एस्थेनोस्फीयर। नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 0.5% ऑफ द अर्थ मास आर मेड अप ऑफ क्रस्ट। तो आप देख सकते हैं कि दरअसल बहुत ही कम जो है क्रस्ट अर्थ के इस एरिया में, वॉल्यूम में जो है योगदान देता है, या फिर इसका एक भाग है, ज़्यादातर जो है वो मेंटल और कोर ही है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज आर डिफरेंट, यानी कि ओशन के अंडर जो हमें क्रस्ट देखने को मिलता है, और कॉन्टिनेंटल रीजन्स पर यानी कि जहाँ पर हम डायरेक्टली जीते हैं, जो कि कॉन्टिनेंट, जो कि ओशन नहीं है, जहाँ पर हमें कंट्रीज, सिटीज देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर जो क्रस्ट की थिकनेस होती है, डेंसिटी होती है, वो भी चेंज होती है। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर अबाउट 5 kilometers एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज अबाउट 30 kilometers। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जाहिर सी बात है कि ओशन से ज़्यादा होती है, 30 kilometers तक जो है इसकी डेंसिटी हो सकती है, ये थिक हो सकता है, और ओशन क्रस्ट जो है वो ज़्यादातर कम ही होता है, ये 5 kilometers तक ही हमें देखने को मिलता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड थस इट इज ऑफन कॉल्ड एज ए सियाल। याद रखिएगा तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, सियाल, सीमा और नीफी, हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रस्ट ज़्यादातर जो है वो दो एलिमेंट से बना हुआ है, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम है, सियाल भी इसे कहा जाता है, SIAL, जो कि इनके साइंटिफिक टर्म्स हैं। अब आइए मेंटल के बारे में बात करते हैं, जो कि सेकेंड मोस्ट लेयर है अर्थ का। द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड एज मेंटल। क्रस्ट के इमीडिएटली बाद अगर एस्थेनोस्फीयर, ऑफकोर्स एस्थेनोस्फीयर भी कहीं ना कहीं क्रस्ट का ही रीजन है, तो क्रस्ट के बाद जो जितना भी रीजन हमें देखने को मिलता है उसे मेंटल कहा जाता है। द मेंटल इज अबाउट 2900 kilometers इन थिकनेस। अभी हमने क्रस्ट के बारे में देखा, 3 kilometers से 40 kilometers तक के रेडियस तक हमें देखने को मिलता है, थिकनेस में देखने को मिलता है, लेकिन मेंटल जो है 2000 यानी कि इस लैंडफॉर्म से लेकर, क्रस्ट से लेकर इंटीरियर में लगभग 2900 kilometers तक हमें इसका थिकनेस देखने को मिलता है।
Nearly 84% of the Earth's volume and 67% of the Earth's mass is occupied by the mantle crust और core से कई ज़्यादा जो है region में, area में या फिर mass में, volume में हमें ये mantle देखने को मिलता है. The major constituent elements of the mantle are silicon and magnesium and hence it is also termed as SEMA. याद रखिएगा कि crust जो है वो सियाल था, silicon and aluminium. दूसरा जो है वो mantle है जिसे हम SEMA कहेंगे, यानी कि silicon and magnesium. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पार्ट है वो है कोर, इज द वेरी इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. इट इज द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द अर्थ सेंटर, इसे अर्थ का सेंटर भी कहा जाएगा. इट इज कंपोज मेनली ऑफ आयरन, दैट इज Fe एंड निकल Ni, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज नीफी. अभी जैसे कि मैंने कहा कि ऊपरी तौर पर Cl, SiAl, बीच के तौर पर हमें को मेंटल देखने को मिलेगा जो कि सीमा है, और तीसरी तौर पर या फिर तीसरे पायदान पर कोर जो है वहां पर नीफी NiAf जो कि आयरन और निकल के जो एलिमेंट्स है वहां पर हमें देखने को मिलेंगे. द कोर कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 32.5% ऑफ द अर्थ मास, यानी कि मेंटल से भी ये कम है लेकिन क्रस्ट से भी ये ज्यादा है. द कोर कंसिस्ट ऑफ टू सब लेयर्स, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर. जैसे कि मैंने पिक्चर में आपको बताया कि एक इनर कोर होता है, उसके बाद आउटर कोर, एंड अगेन आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल, और इसके बाद जो है हमें एस्थेनोस्फीयर और क्रस्ट देखने को मिलता है. द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट एंड द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट, जो कि अर्थ का सेंटर अगर हम कह सकें, सेंटर ऑफ द अर्थ या फिर सेंटर ऑफ अर्थ को जिस कोर ने ढका हुआ है वो दो पार्ट्स में है. दो क्लासिफिकेशन उन्हें किए जा सकते हैं. एक तो इनर कोर जो कि ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में है, रॉकी स्टेट में है, और इसके आसपास जो है हमें लिक्विड फॉर्म में जो है आउटर कोर देखने को मिलेगा, या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में. रॉक्स ही हैं जो कि मेल्ट हो चुके हैं, तो वहां पर हमें सेमी लिक्विड या फिर लिक्विड फॉर्म में कोर देखने को मिलेगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से एक डायग्राम हमें दिया गया है. लिथोस्फीयर जहाँ पर हम जीते हैं, क्रस्ट भी जिसे हम कहा जाता है, सियाल जो कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है वो एस्थेनोस्फीयर है. इसे एक प्लास्टिक फॉर्म में जो है यहाँ पर मैग्मा वगैरह फ्लो होते हैं. सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, तो ये जो है ज़्यादातर मेंटल के रीजन्स में होता है. मीसोस्फीयर भी इसे कहा जाता है. और तीसरा जो है कोर अनीफी, जो कि आयरन और निकल के कंपोनेंट्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं. यहाँ पर इनर कोर और आउटर कोर, इसे बैरिस्फीयर भी कहा जाता है. और चंद इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रीजन से दूसरे रीजन का ट्रांजिशन जो है, और यहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूटीज़ देखने को मिलेंगे, यानी कि लिथोस्फीयर खत्म होता है, एस्थेनोस्फीयर शुरू, एंड अगेन मीसोस्फीयर शुरू होता है, बैरिस्फीयर शुरू होता है. तो इस तरीके के जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उन्हें भी नाम दिए गए हैं. सबसे पहला हमें कॉनराड डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, और मोहर डिसकंटिन्यूटी जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो है वो है रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी. सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेंटल और कोर के बीच जो हमें डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है वो गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी है. और आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो हमें डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है वो लेमेंस डिसकंटिन्यूटी है. देखिए ज्यादातर ये सभी नाम जो है उन जियोलॉजिस्ट के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्च वगैरह किया है और इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं. मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये पूरा डायग्राम जो है आप कहीं ना कहीं इमीडिएटली ड्रॉ करें और इसे बाय हार्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ का इंटीरियर रीजन. आगे के चैप्टर्स में भी ज्योग्राफी के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसी लिथोस्फीयर, इसी एस्थेनोस्फीयर, मेंटल कोर के बारे में बार बार रेफरेंसेस देंगे और इस तरीके की डिसकंटिन्यूटीज के बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में जानने की कोशिश करेंगे. ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के बारे में, जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.